एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनूज लाइफस्टाइल टॉक एंड वेलकम टू ए प्रोडक्ट रिव्यूज थर्सडे। सो यू गाइस, दिस इज गोना बी अ न्यू सीरीज ऑन माय चैनल इन व्हिच आई विल बी रिव्यूइंग न्यू प्रोडक्ट एवरी थर्सडे। इंशाल्लाह आई विल कम अप विद अमेजिंग प्रोडक्ट रिव्यूज, मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड और मे बी एनी प्रोडक्ट इन जनरल व्हिच आई लाइक और anything, you know, random. So today I am going to start with this amazing product which I have right here. और मैं काफ़ी टाइम से चाहती कि मैं इसके ऊपर रिव्यू करूँ। इनफैक्ट अभी मैंने इसको अपने बालों में इस्तेमाल किया है बिफोर कर्लिंग माई हेयर एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। इट्स बीन टू मंथ्स दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट। इट्स आई होप यू गाइस कैन सी इट्स हीट प्रोटेक्शन वॉल्यूम स्प्रे बाय लोले। I'm not sure about the company, but इसके ऊपर लिखा हुआ मेड इन थाईलैंड, बट इंस्टाग्राम पे लोलेन पाकिस्तान के नाम से भी पेज है, वो मैंने बाद में देखा। ये मैंने रैंडमली इम्तियाज स्टोर से लिया था और क्योंकि मैं स्ट्रेट बहुत करती हूँ बाल, कर्ल बहुत करती हूँ बाल, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये हीट प्रोटेक्शन सीरम क्या होता है और आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। ये आप जब बालों में स्प्रे करते हो, ये आपके बालों को हीट से बचाता है, ठीक है। और स्पेशली मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने रूट्स में इसको ज़रूर अप्लाई करें। वैसे तो मैं रूट्स में हेयर स्ट्रेटनर और कलर जो है वो इतना यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि आपके बाल जो है ना रूट्स से ही ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले तो वैसे भी आपके भरते जाते हैं और आप काट देते हो, ठीक है, लेकिन रूट्स जो होती है ना स्कैल्प, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप ज़रूर स्प्रे करें, ये इस्तेमाल करें और उसके बाद आप जब आप अपने बाल स्ट्रेट करेंगे, कर्ल करेंगे, तो आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त सीरम है। इसके 3 मेन जो मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ, क्योंकि मुझे 2 मंथ्स हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो मैंने जो अपने बालों में चेंज देखा है वो ये है कि एक तो जब मैं ये इस्तेमाल करके ना अपने बाल कर्ल करती हूँ, जैसे मैंने ये अभी कर्ल किए हैं, ठीक है, नीचे नीचे मैं अपने बालों को कर्ल किया है और इवन तो मेरे बाल थोड़े से ऑयली थे, मैंने परसों वॉश किए थे, तो मेरे एक दिन में जो बाल है वो ऑयली हो जाते हैं। तो जब मैं ये इस्तेमाल करती हूँ मेरे बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है और बिल्कुल चिपके चिपके बाल नहीं लगते हैं, आपके अच्छे वॉल्यूम वाले बाल लगते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और उसके बाद आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है ये, मेरे बालों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है ये। मुझे ऐसे फील हुआ जब मैंने ये स्टार्ट में 1 वीक इस्तेमाल किया, लाइक मेरे बालों में काफ़ी चेंज आ गया, क्योंकि मैंने अपने बालों में बहुत चेंज देखा था, बहुत ज़्यादा मेरे बाल ड्राई हो चुके थे, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद जब मैंने कर्ल किया, स्ट्रेट किया, तो मेरे बाल बहुत अच्छे दिखने लगे। तो ये बेनिफिट्स हो गए, ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है हीट से, ठीक है, डैमेज से। सेकेंडली आपके बालों को बहुत अच्छा सा वॉल्यूम देता है और आपके बाल जो है ना, जो थर्ड बेनिफिट है मुझे जहाँ तक लगता है, इसको अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छे स्मूथ से स्ट्रेट होते हैं और स्मूथ से कर्ल होते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज दिस स्प्रे बाय लोलेन। आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, इट्स अ हीट प्रोटेक्शन सीरम, मिल्की हीट प्रोटेक्शन सीरम, और ये 2 मंथ्स हो गए, मेरा भी हाफ तक यूज़ हुआ है, तो मेरा आई थिंक ये 3 to 4 मंथ्स निकल जाएगा। अच्छा, मेरा ये सीन है कि मैं बहुत ज़्यादा बाल कर्ल करती हूँ, कर्ल तो इतने नहीं करती है, स्ट्रेट बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो जब भी मैं अपने बालों को हीट देती हूँ ना, उससे मेरे बाल डैमेज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत रूखे से हो जाते हैं, रफ से हो जाते हैं। लेकिन जब भी मैं ये प्रोडक्ट, ये स्प्रे अपने बालों में स्प्रे करके और लाइक पूरा अच्छा सा स्प्रे करके, फिर कॉम करके, और फिर जब मैं हीट इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो स्ट्रेटनर है, कलर है, हेयर ड्रायर है, तो मेरे बाल बहुत मज़े के हो जाते हैं। इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट और ये बहुत ज़बरदस्त हीट प्रोटेक्शन सीरम है। जितने भी सीरम्स और सॉरी सीरम कह रही हूँ स्प्रे, जितने भी सीरम्स और स्प्रेज मैंने यूज़ किया उसमें सबसे अच्छा है ये, और ये बहुत अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल इन अ सेंस कि आपका इजीली 3 मंथ्स तो निकल जाए। अब जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ, तो मैं हर 2 to 3 days के बाद अपने बालों को ड्राई करती हूँ, कर्ल करती हूँ, स्ट्रेट करती हूँ। अभी मैं अपने हेयर जो है कर्ल किए हैं, 2 दिन पहले भी किए थे, तो मेरा ये सीन है कि मेरे बाल बहुत डैमेज होते हैं, तो आई ऑलवेज यूज दिस स्प्रे। बस 850 और मे बी 900 थी जब मैंने ये इम्तियाज से लिया था, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट, मस्ट ट्राई इट एंड डू लेट मी नो व्हेदर यू गाइस लाइक इट और नॉट। और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स के व्हाट यू थिंक अबाउट माई न्यू सीरीज व्हिच आई जस्ट स्टार्टेड, प्रोडक्ट रिव्यू थर्सडे। एंड डू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू ट्राई एनी न्यू प्रोडक्ट्स एंड टू रिव्यू those products for you. I would happily do that. Do not forget to subscribe, like and share. Apna khayal rakhe aur inshallah next video mein milte hain. Till then, Allah Hafiz.